पीएम आवास योजना ग्रामीण सूची हुई जारी, यहां से देखे अपना नाम। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए आवेदन के आधार पर नई सूची प्रकाशित की गई है। आप सभी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की नई सूची प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने लाभार्थी संख्या के द्वारा या आधार संख्या के माध्यम से डाउनलोड कर उसे लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की नई सूची डाउनलोड करने की पूरी प्रक्रिया और महत्वपूर्ण जानकारी आगे इस वीडियो में बताई जाएगी। भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत वर्ष 2014 में की गई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य लक्ष्य था कि आने वाले समय में सभी देशवासियों के पास में खुद का एक मजबूत पक्का मकान हो। इसके लिए सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई थी, जिसके अंतर्गत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बनाने के लिए आर्थिक मदद की जाने लगी है। वर्तमान समय में यह योजना बहुत ही प्रसिद्ध है और कई लाभार्थी इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। यदि आपने अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ नहीं उठाया है तो इस वीडियो में बताई गई तरीके से आप भी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए आवेदन दो प्रकार से किया जा सकता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। यदि आपने अभी तक प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में आवेदन नहीं किया है तो आपको बता दें कि आपके पास कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तभी आप इस योजना के लिए आवेदन कर पाएंगे। आगे इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप विवरण में बताया गया है कि इस योजना में आवेदन के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स जैसे कि राशन कार्ड, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, आवेदन फॉर्म। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की सूची को कैसे डाउनलोड करें? सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसका डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण या प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का चयन करें और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का चयन करने के बाद अपने राज्य का चयन करें। राज्य चुनने के बाद में अपने जिले का चयन करें। इसके बाद में आपको प्रखंड चुनने का ऑप्शन दिखाई देगा, उसमें आपको प्रखंड का चयन करना है। इसके बाद में आपको प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की सूची डाउनलोड करने का ऑप्शन दिखाई देगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप आसानी से सूची को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि सरकारी योजनाओं की सबसे पहले अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाई जाती है।